आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और जो आज की वीडियो है वो है एक मेकअप कलेक्शन के बारे में जैसे कि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप अपना मेकअप कलेक्शन दिखाइए जब मैंने रॉन्जी लिपस्टिक का जब रिव्यू डाला था लास्ट वीडियो थी जो मेरी और उसके बाद मेरे को बहुत सारी गर्ल्स के मैसेज आए थे कि आप अपना मेकअप कलेक्शन हमारे साथ शेयर कीजिए सो so, उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैं आज वीडियो बना रही हूँ शूट कर रही हूँ मैं अपना मेकअप कलेक्शन है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे मेकअप बॉक्स में क्या क्या है कौन कौन से प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ और कौन कौन से किस तरह से यूज करती हूँ हाँ मैं आपको बता दूं कि सभी लड़कियों को शौक होता है मेकअप का वैसे ही मुझे भी है मुझे मेकअप के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है जो मुझे पसंद आता है मैं वो, वो चीज ले लेती हूँ बट ये नहीं होता कि यूज़ हम डेली उसे यूज करते हैं हम डेली उसे यूज नहीं करते जैसे कि आपको पता है कि आप अगर डेली जो है मेकअप प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट जरूर होंगे सो so, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ मेकअप करना घर पर मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूं हाँ अगर कहीं हमने बाहर जाना होता है आउटसाइड जाना होता है तो हम मेकअप जरूर जरूर यूज कर सकते हैं बट कुछ बेसिक रूटीन्स है जो हम उसे यूज करना पड़ता ही है फॉर आवर स्किन केयर सो उसको मैं नहीं बोलूंगी कि आप अवॉइड करो बट ज्यादा मेकअप को आप अवॉइड कीजिए एट होम घर पर आप ज्यादा मेकअप मत वेयर कीजिए क्योंकि आप आपके स्किन पर जो हार्मफुल इफेक्ट डालता है सो so, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे पास ज्यादा कलेक्शन नहीं है मेकअप का मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है कुछ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है लिमिटेड से प्रोडक्ट है जिनका मैं यूज करती हूं अपने डेली मेकअप में जो मुझे लोकल मार्केट से पसंद आता है मैं वो भी परचेज कर लेती हूँ बाकी जो ऑनलाइन है मैं ऑनलाइन भी बाय कर लेती हूँ अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दिया मैंने पहले मैं नहीं करती थी बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन बाय करना सो चलिए देखते हैं मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सो so गर्स जैसे आपको पता है कि कोई भी मेकअप हम विदाउट मॉइस्चराइज नहीं कर सकते सबसे पहले हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है स्पेशली विंटर में तो आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी स्किन इतनी ड्राई हो चुकी होती है सो मॉइस्चराइज इज करने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो और मैं यूज करती हूँ निविया का सो so, मुझे अच्छा लगता है निविया का uh, बहुत ही अच्छा स्मूद इसकी टेक्स्चर इसका बड़ा स्मूद है और इसमें आपको जो कोको बटर एंड कोकोनट ऑयल मिक्स मिलेगा वेरी ड्राई स्किन के लिए जिनकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज इनकी इसकी जो फिनिशिंग है इसकी जो स्मूद इतना बहुत ज्यादा स्मूद है ये लाइक मिल्क की तरह ये स्मूद है आपको आपके फेस को प्रॉपर है जो ये नरिशिंग करेगा सो so, एक मैं ये यूज़ करती हूँ वैसे निविया का डेली में और मेरे पास एक और ऑप्शन भी है जी है मेरी सेकंड ऑप्शन इन केस मुझे निविया का नहीं यूज़ करना होता है मॉइस्चराइजर सो so, मैं अपने फेस को जो मॉइस्चराइज़ करती हूँ ये प्योर रूट्स की जो मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है मैं इसे यूज़ करती हूँ ये कोकुम बटर एंड एप्रीकोट से बनी हुई है जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो कोकुम बटर एंड एप्रीकोट्स और ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है बट इसका एक ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आपको निविया का यूज़ करना होगा अगर मेरे को लगता है किसी दिन की मेरी स्किन आज ठीक लग रही है इतनी ड्राई नहीं है सो मैं प्योर रूट्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है मेकअप करने से पहले इसे यूज़ करती हूँ ये मेरे पास एक और ऑप्शन है ये छोटू सी पैकिंग है ये किसी के साथ मुझे आई थिंक फ्री मिला था ये भी है प्योर रूट्स का हनी ये हनी लोशन है सो तो ये हनी से बना हुआ है और बट ये मेरे को बहुत ही पसंद आया है बट मेरे पे, मेरे पास इसकी कोई बड़ी पैकेजिंग तो नहीं है बट फिर भी मुझे बहुत पसंद आया है हनी एंड आलमंड से ये बना हुआ है लोशन विटामिन ई e से इसमें विटामिन ई e पाया जाता है और ये भी मेरी स्किन को काफ़ी हद तक हाइड्रेट कर देता है बट इसको मैंने कम यूज़ किया और बट ये वैसे ऑप्शनल है इनकेस मुझे अपना निविया का और कोल्ड क्रीम ना मिले तब मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और ये हैंडी भी ऐसे आप आप किसी भी अपने कैरी कर सकते हो अपने बैग में डाल सकते हो अपने किसी भी अगर आपको किसी ट्रैवल करना है वहां पर आप इसे हैंडी है, बहुत ही आप इसको लेकर जा सकते हो अपने साथ सो दिस वन इज ऑल्सो बेस्ट आफ्टर यूजिंग मॉइस्चराइजर आपको एज अ मेकअप सेट करने से पहले आपको एक प्राइमर को यूज करना पड़ता है ठीक है अपने फेस पर सिलो एक सिलिकॉन जिनके बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं वो सिलिकेन सिलिकन बेस है जो प्राइमर यूज करते हैं बहुत सारी कंपनीज uh, ब्रांड में आता है ये बट मैं कोई ज़्यादा प्राइमर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरे इतने पोर्स हैं नहीं है ओपन और मेरी स्किन अभी इतनी लाइक हम बोल सकते हैं कि मैं मेरी स्किन अभी ठीक है सो so, इसके लिए मैं एक लाइट सा प्राइमर यूज़ करती हूँ आप प्राइमर जैसे कि आपने सुना होगा कि आप प्राइमर की जगह पर आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हो सो so, इसके लिए मैं ये ये वाली एलोवेरा जेल फ़ेस एंड बॉडी जेल को यूज़ करती हूँ ये काफ़ी हद तक मेरी जो फ़ेस को एज अ प्राइमर एक बेस देती है स्मूथ बेस देती है जिस पर मैं आसान से अपना जो मेकअप है जो सेट कर सकती हूँ और मेकअप किसी तरह से मेरी स्किन पर जो हार्म नहीं करता है सो so, मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ अगर इन केस मुझे एलोवेरा जेल का नहीं यूज करना होता है तो मेरे पास जो सेकेंड ऑप्शन है सो दिस वन इज माई सेकेंड ऑप्शन इन प्राइमर अगर मेरे को कई बार एलोवेरा जेल नहीं यूज करनी होती है तो मैं लेकटो कैलमिन का ऑयल बैलेंस है जो इसे यूज करती हूं ये बहुत ही क्रैलन बेस है जो थेरेपी है और इससे भी आपकी जो फेस है जो बहुत ही स्मूद हो जाता है बट मैं आपको ये बताऊंगी कि आप विंटर में इसे मत यूज कीजिए विंटर में इसका यूज इसलिए मत कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपके फेस को जो ड्राइनेस कर देता है आपके फेस का ऑयल है जो कंट्रोल करता है बिकॉज ये ऑयल बैलेंस है सो आप विंटर में तो इसे यूज मत कीजिए मैं इसे अवॉइड करूंगी हाँ अगर समर है समर में आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है तब इसका आप जरूर यूज कीजिए आपको बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देगा लेक्टोकैलमिन का ऑयल बैलेंस वाला और विंटर में आप आई थिंक आप एलोवेरा जेल का यूज करें एज अ प्राइमर नॉट दिस वन जब आप प्राइमर का यूज कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है अपना तो बेस तैयार करना होता है तो बेस तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे कंसीलर चाहिए होते हैं और फाउंडेशन चाहिए होते हैं और पैनकेक्स चाहिए होते हैं बट मेरे को इतना बेस तैयार नहीं करना पड़ता मैं सिंपल अपना बेस बनाती हूँ जो ज, जो मैं अपना बेस बनाती हूँ मैं बनाती हूँ लैकमे की नाइन टू फाइव सीसी क्रीम से ये कलर कॉम्प्लेक्शन क्रीम है इसमें मेरा शेड है बीच आप पढ़ सकते हो जैसे कि मेरा शेड है इसमें बीच और ये मेरे को बहुत अच्छी जो फिनिशिंग देता है इसकी स्मूथ टच इतनी है कि मेरे फेस पर इसकी बहुत अच्छी एक शाइन आ जाती है और एक बहुत अच्छा मेरे को एक बेस मिल जाता है लैक्मे नाइन टू फाइव से सो एज एज अ फाउंडेशन मैं इसे यूज करती हूँ इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है मैम वो भी आपको दिखा देती हूँ सो दिस वन इज़ माई सेकेंड ऑप्शन इन केस मुझे लैक्मे का नाइन टू फाइव नहीं यूज़ करना होता है लैक्मे का नहीं यूज़ करना होता उस टाइम मैं ये लॉरियल की प्लेटिट्यूड इसे यूज़ करती हूँ ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन uh, क्रीम है बट एज इन विंटर ये आपके फेस को मैं अभी जैसे बता रही हूँ कि ड्राई कर देगी सो आप इसे विंटर में मत यूज़ कीजिए मैं इसका यूज़ करती हूँ इन समर समर में मैं इसका यूज़ करती हूँ और विंटर में मैं लैकमे का कर यूज़ करती हूँ इसे लॉरियल की ये भी बहुत अच्छी है जिसे मैं यूज़ करती हूँ फ्टर बेस जब हमने अपने फाउंडेशन को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया मॉइस्चराइज कर लिया है और अपने जो है हमने प्राइमर यूज कर लिया और फाउंडेशन यूज कर लिया उसके बाद हमें कंसीलर करना होता है अपने अंडर आइज को कंसीलर जैसे आपको पता है जो आपका लाइक ब्लैकिश एरिया आप उसको क्या करते हो कंसील करते हो जैसे कि आपके डार्क सर्कल्स हैं कोई स्पॉट है ठीक है उसको आप एक्न स्पॉट को आप जो है रिमूव करते हो सो so, आप इसके लिए पैंपस्टिक का कर यूज करते हो मैं एज अ बोल सकती हूँ कि मैं ऐज आज� अपना जो कंसील करती हूँ मैं मियोन की स्टिक से कंसील करती हूँ ये बहुत ही अच्छी मेरे को बहुत पसंद है इसकी टचिंग है जो मियोन की है ये पैन स्टिक जिसमें एस पी एफ फिफ्टीन पाया जाता है और इसमें जो मेरा शेड है मियोन पैन स्टिक जीरो टू so, सो ये मेरी स्किन से साथ बिल्कुल मैच जाता है और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ सो so, कुछ इस तरह से ये है पैन स्टिक आ, ये आप इसको यहाँ ऐसे आप रिमूव करते जाओगे यहाँ कर से रोल ऑन करते जाओगे ऊपर से निकलता जाएगा और इसमें आप शेड देख, शेड देख सकते हो बहुत ही अच्छा शेड है ये मुझे बहुत पसंद है अपना मी ऑन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मेरी स्किन को बहुत अच्छा कंसील करता है जिसका शेड नंबर है जीरो और जीरो टू आफ्टर कंसील आप अपने फेस को सेट करते हो पाउडर से लूज पाउडर को ही पाउडर भी यूज करते हैं ना लूज़ uh, पाउडर भी यूज़ करते हैं कुछ है जो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं मैंने कभी एक्चुअली लूज़ पाउडर नहीं यूज़ किया है uh, मैं एज अ कॉम्पैक्ट ही यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए अपने बेस को सेट करने के लिए सो so, जो मैं यूज़ करती हूँ ये लैकमे का इस तरह से कुछ है इसकी पैकेजिंग और इसमें जो मेरा शेड है वो है रेडियंस कॉम्पैक्ट नेचुरल मार्बल ठीक है सो so, ये मेरा नेचुरल मार्बल है जो मेरा शेड नंबर है इसमें शेड नंबर नहीं होता इसमें जस्ट नेम होता है नेचुरल मार्बल इसमें दो तीन और शेड्स थे अवेलेबल बट मेरी स्किन टोन के साथ यही मैच हो रहा था और अंदर से कुछ इस तरह से होता है ये और मैंने बहुत सारा इसे यूज़ भी कर लिया है बस अब इतना सा रह चुका है ये बट इसके टचिंग बहुत सॉफ्ट है और मेरे पे ये में जो मेरे बेस को प्रॉपर जो सेट कर देता है अब इसको यूज़ करके मैं नेक्स्ट लेने वाली हूँ बाय करने वाली हूँ मेकअप uh, जब आप अपने फेस पर वियर कर लेते हो मेकअप को आप लगा लेते हो उसको बाद में आपको बता दूं कि अगर आप नाइट में सोने जा रहे हो तो अपने मेकअप को ज़रूर रिमूव कीजिए बिकॉज मैंने आपको बताया है कि इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट रहते हैं आपकी स्किन पर आपके फेस पर सो so, मेकअप को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है इनकेस मैं कहीं बाहर जाना होता है मेरे को कहीं हम आउट ऑफ स्टेशन हो या कहीं पे भी हो आउट ऑफ सिटी हो तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम मैं अपने बैग में जरूर ये ज़रूर रखती हूँ ये मेकअप रिमूव के लिए होते हैं बहुत ही अच्छे क्लें इसमें आपको आपकी क्लेंजिंग भी हो जाएगी मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और स्मूदनिंग भी हो जाएगी सो ये बहुत ही अच्छे आपको वाइप्स मिल जाते हैं ये हिलारी रोडा के वाइप्स हैं जिसमें ट्वेंटी फाइव वाइप्स आपको मिलते हैं और बहुत ही पसंद है मुझे ये वाले वाइप्स इनकेस आप किसी बाहर हैं आप नहीं यूज कर पा रहे अपने मेकअप को नहीं पूरा उठा पा रहे हैं किट को सो उस टाइम आप इसको जो अपने हैंड बैग में है वी डालकर लेके जा सकते हो और जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं कॉटन की कॉटन का यूज करके इसको यूज करती हूँ यह है ब्यूटी बास्केट की नेचुरल ग्रेप रूट क्लिनिंग सो अगर मेरे को घर पर अपना मेकअप रिमूव करना होता तो, तो मैं इसे यूज करती हूँ इसके बाद हम बात करते हैं आई शेडो पैलेट्स की अगर आपको अपने आईज को ब्यूटीफुल करना होता है तो ऑफकोर्स आप आई पैलेट से अपने कलर को पिक करके अपने आईज पर लगाते हो सो आई आई पैलेट मेरे पास इस टाइम टू टाइप्स के पैलेट्स हैं फर्स्ट वन इज ये है हाफ एंड हाफ का रिच कलर डायमंड आई शेडो और ये मुझे बेहद ही पसंद है इसका इसमें जो शेड है बहुत ही ज्यादा स्पार्कली है और uh, स्पार्कल बेस है ये सारे इसके जो शेड्स हैं ये देखिए मैं आपको ओपन करके बताती हूँ तो so, इस तरह से कुछ इसके शेड्स हैं इसमें आपको जो मेन मेन कलर है वो मिल जाएंगे जैसे कि सिल्वर है गोल्डन है पिंक है ब्राउन एंड दिस लाइट गोल्डन दिस इज प्योर गोल्डन एंड दिस विज ये भी थोड़ा सा टैन कलर है सो so, इसमें आपको सभी कलर मिल जाएंगे देखने में और इसको आप कैरी भी बड़े आसान से कर सकते हो अगर आप कहीं किसी बाहर जा रहे हो आ, आउट ऑफ जा रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कैरी करने में बहुत ही ये ईजी है और एक एक और पैलेट है मेरे पास मैं वो आपको वो भी शो करती हूँ जी सेकेंड आई शेडो पैलेट है जो जो कि है जिसमें थर्टी थ्री कलर्स मिलते हैं आपको और इसकी बैक साइड है इसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं सारे इसमें लिखे हुए हैं सो uh, so ये है uh, इसमें ये सब कुछ पाया जाता है और स्टिल पैरिस की है ये ज़ीरो वन एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कुछ इस तरह की ये पैलेट है और इसमें आपको ये सभी शेड मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मली चाहिए होते हैं सो ऑल दीज शेड्स आप सो ब्यूटिफुल सो शाइनिंग इसमें कोई भी मैट कलर नहीं है मैं आपको पहले ही बता दूं मैट कलर कोई भी नहीं है बट अदर सभी कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे सो दिस वन इज़ ये साइड में ब्रश है इस ब्रश का बहुत ही कम यूज करती हूँ मैं वैसे बट ब्रश इस साइड में यहाँ पे मिरर भी दिया हुआ आप देख सकते हो इस साइड पे यहाँ पे मिरर है और उस साइड शेड्स हैं और यहाँ पे ब्रश मिला हुआ है जैसे कि आपको पता है गर्ल्स को ब्लश यूज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो मेरे को भी ब्लश यूज़ करना बहुत पसंद है चाहे मैं नॉर्मल रूटीन में, में हूँ मेरे को ब्लश करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है सो तो ब्लश मेरा इस तरह से कुछ है इसकी जो टच है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग भी है सो so, इस ब्लश का मैं यूज़ कर करती हूँ इसके साथ मुझे हाइलाइटर की यूजर यूज़ नहीं करनी पड़ती बिकॉज इसमें एक नेचुरल शाइन आपको देखने को मिल जाएगी सो so, ये ब्लश मैं यूज़ करती हूँ मेरे को चाहे मेकअप कुछ भी वेयर ना करना हो डेली में बट मेरे को ब्लश यूज जरूर यूज़ करना है ब्लश मैं आफ्टर बाथ में ज़रूर यूज़ करती हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब आपकी चीक्स पर ग्लो रहती है नोज़ पर चीक्स पर चिन पर सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ब्लश को डेली इस बॉक्स में मैं रखती हूँ अपनी सारी नेल पेंट्स नेल से रिलेटेड सारा मेरी जो एसेसरी है इसमें उड़ित होती है ये नेल शेपर है ये भी इसमें पड़ा रहता है मेरे को अगर नेल को ट्रिम या कुछ करना होता है और इसके अलावा मेरा ये नेल रिमूवर है लारी रोडा का ये भी मैं यूज करती हूँ मेरे को मेकअप जो जब अपना नेल रिमूव करना होता है नेल पेंट और ये मेरे पास सभी शेड्स हैं काइट्स की है ये भी और ट्यू कलर का ये शेड है एंड जी उसका दिस वन कि मेरा फेवरेट है जो स्टिल मैंने अभी मेरे यूज़ किया हुआ है इस शेड को और इसके अलावा मेरे पास गोल्डन शेड है एंड गोल्डन के बाद मेरे पास ये पिंक शेड है ये आई थिंक किसका है ये है एले एल गर्ल का एलए 18 एटीन सॉरी एलए एटीन का ये एंड दिस इज मी ऑन रेड स्पार्कल एंड दिस इज ऑल्सो एल एटीन ये ऑरेंज नेल पॉप्स सो इस तरह से मैं ये काइट्स का ट्रू कलर की तरफ से सो so, मेरे पास नेल पेंट्स की लिमिटेड स्टॉक है बिकॉज मैं इतना नेल पेंट यूज़ नहीं करती हूँ बहुत ही मेरे नेल पेंट्स आते हैं कि बड़े बड़े सूख जाते हैं सो so, नेल पेंट्स का मेरा बहुत ही कम स्टॉक है अपनी आइज को और अगर आप सुंदर दिखाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ आप ऑल आपको आ, आपको आप ब्रो फिनिशिंग देनी होती है सो तो ये मेरी ब्रो फिनिशिंग है इसके यहाँ पर ब्रश भी है जिससे आप उसको प्रॉपर वे से ठीक कर सकते हो उसको सो तो ये मेरी ब्रो फिनिशिंग के लिए है और ये है मेरी लैक्मे का काजल सो तो लैक्मे आइकॉन काज में, में यूज करती हूँ और ब्लैक जेड ब्लैक और जब आपको अपना लाइनर यूज़ करना होता है तो मेरे पास टू टाइप्स के लाइनर है इस टाइम और फर्स्ट वन इज़ लैक्मे लैकमे इंस्टेन इंस्टा लाइनर ये है और इसके अलावा मेरे पास है म्यूजिक uh, फ्लावर का जेल आईना लाइनर ये भी बहुत अच्छा है इसका भी बहुत अच्छा शेड है और इसमें दो शेड है मेरे पास एक ब्राउन है ब्राउन आपको पता है कि आप ग्रो फील करते हो ब्राउन से और दिस वन इज़ ब्लैक एंड दिस इज वन इज लैक मे सो ये मेरे पास है दो लाइनर अब बात करते हैं लिप शेड्स की मेरे पास लिपस्टिक्स कौन कौन सी है सो मेरे पास ये है ये मेरे पास है मैट लिप्स की सो दिस वन इज़ रेड कलर एंड ये भी बहुत अच्छा है इसमें शेड है मेरा जीरो थ्री और ये भी मेरा फेवरेट है इस टाइम बढ़िया ख़त्म हो चुका है किस ब्यूटी की है इस टाइम ये एम्पटी हो चुकी है और इसके अलावा मेरे पास है मी ऑन की दिस वन इज़ रेड रिच मैट एंड इसमें मेरा शेड नंबर है ज़ीरो वन आई थिंक ज़ीरो वन या ज़ीरो वन रेड और इसके अलावा मेरे पास एक और है मी ऑन की ये वाली है मी ऑन की ऑल्सो रिच मैट और इसमें मेरा शेड नंबर है जो है ट्वेंटी टू या इट्स ट्वेंटी टू या इसके अलावा मेरे पास है मीओन की एक और है रिच मैट की इसमें मेरा शेड है इलेवन रेसबेरी सो दिस वन इज इलेवन शेड और ये मेरी ये भी मी की है इसमें uh, मी या दिस वन इज ऑल्सो मीयन कलर एडिक्ट और मैट फिनिश इसमें है मेरा फोर्टीन शेड विक्टोरिया ब्राउन ये भी बहुत अच्छा शेड है न्यूट कलर है और एक हिलारी डोडा की है मेरे पास मैट लिपस्टिक इसमें मेरा शेड है सेवन सेवनटीन इसके अलावा मेरे पास है ये टू शेड्स ये है परसोनी की बट ये मैट नहीं है मैं आपको बता दूँ पहले ये शाइनिंग लुक में है सो तो ये एक, एक इसमें से एक है पर्पल और एक है इसमें से ब्राउन कलर सो तो ये देव शेड है और इसके अलावा अगर लिप बाम की बात की जाए आपको विंटर में बहुत ही ज़्यादा लिप बाम की यूज़ होगा इसमें मेरे पास है मी की लिप बाम और ये बहुत ही अच्छी है ये तो कुछ ऑरेंज शेड की है और ये है मी की सो दिस वन इज माई लिप बाम इन विंटर में इसे बहुत यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मेरे पास मैट पॉप्स की है एल एटीन की है जो कलर पॉप्स की कुछ शेड्स लाइक दिस वन इज़ सिक्सटी टू शेड नंबर सिक्सटी टू एंड एक ये है मेरी एल ए एटीन कलर पॉप की इसमें मेरा शेड है फोर्टी फाइव इट्स अ चेरी रेड ये चेरी रेड है और फोर्टी फाइव चेरी रेड एंड इसके अलावा ये भी है मेरी एल एटीन की और इसमें है मेरा शेड आई थिंक पी ट्वेंटी सिक्स सो ये शेड्स हैं मेरे लिपस्टिक्स के इसके अलावा मेरे पास और लिपस्टिक्स हैं कुछ ये भी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास ट्रॉन्जिल्स की जैसे आप देख सकते हो जिसमें मेरे पास सारे कलर्स अवेलेबल है इसमें से टू शेड्स मेरे इसलिए मिसिंग्स हैं क्योंकि वो मेरे इस टाइम बैग में है उस टाइम वो मेरे इसमें मैंने नहीं रखे हुए क्योंकि मेरे को कभी बाहर जाना पड़े तो मैं उसको अलग से रखती हूँ इसके अलावा इसमें सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे महरून पिंक ऑरेंज ब्राउन एंड दिस वन ऑल्सो टू रेड कलर सो ये है मेरे पास मे, अपनी लिपस्टिक की कलेक्शन के बाद बात करते हैं सिंदूर की सो so मेरे पास एक है ब्लू हेवन का रेड सिंदूर और ये ऑल्सो ब्लू हेवन का है बट इसका कलर थोड़ा मेरूनिश है और ये है हाफ एंड हाफ का लिक्विड सिंदूर ये तीनों लिक्विड है और कभी कभी आपको किसी ओकेजन पर ऐसा होता है कि आप लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते हो आपको उस टाइम पे जो है आपको ड्राई यूज़ करना हो पड़ता है तो उस टाइम मैं इसको पाउडर सिंदूर को यूज़ कर लेती हूँ बहुत अच्छा लगता है ये आपको अगर आप इसको यूज़ करते हो सो so, ये मेरे पास ये फोर शेड्स हैं सिंदूर के बात करते हैं हम मस्कारा की मेरे पास है मी का दिस वन चार्मिंग वाटर प्रूफ मस्कारा जिसमें मेरा शेड वन है जीरो वन इट्स ब्लैक मस्कारा ये जेड ब्लैक है सो यही मी ऑन का मेरे पास है जो मस्कारा मैं इसे यूज़ करती हूँ अब बात कर लेते हैं हम ब्रशेस की मेकअप ब्रश की आपको अब जब आपको फाउंडेशन सेट करना हो तो ये है मेरा स्पॉन्ज जिससे मैं अपना जो फाउंडेशन स्की करती हूँ सेंड कर, इससे अपने जो मेकअप को सेट करती हूँ अपने बेस को सो so ये स्पॉन्ज है इसके अलावा ये ब्रो पेंसिल्स है ये ब्रोज के लिए आपके यूज़ होती हैं दिस वन इज़ ऑल्सो ब्रो एंड ये आप आई शेडो के लिए यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज़ दिस इज़ यूज फॉर कंसीलर आपको कंसील करना है कुछ आपको अपने फेस को कट करना है उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो कॉन्टोर करना है और इज माई ब्लश ब्रश जब आपको ब्लश करना होता है या फिर अगर आपको आ, आपको पाउडर से अपना सेट करना होता है अपना मेकअप तो उस टाइम मैं इसका यूज कर दी हूँ सो ये मेरे मेकअप के हैं ब्रशेज सो so, गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस किस टॉपिक पर आके वीडियो एंड आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय